हेलो दोस्तों, मैं प्रणव आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल पे। हम लोग मछलियों के सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उनका सीड ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। आज हम लोग चीतल मछली के पालन के बारे में बात करने वाले हैं। चीतल मछली इंडिया की नेटिव मछली है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल की ये नेटिव मछली है। ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर में पाई जाती है। ये एक मांसाहारी मछली है और ये मेनली अपने खाने के लिए जो छोटी मछलियाँ होती हैं जो उन पर डिपेंड करती हैं। ये कमर्शियल फीड या कुछ आप नेचुरल फीड बना के देंगे वो उतना प्रिफर नहीं करेंगी। ये अपना खुद से पकड़ के जो छोटा मछली होता है उसी को खाना ये प्रिफर ज़्यादा करती हैं। इसको नाइफ फिश भी कहा जाता है। इंडियन माइथोलॉजी में भी चीतल मछली को दिखलाया गया है। भगवान विष्णु को चीतल मछली के रूप में दिखलाया गया है। इससे पता चलता है कि ये कितने पुराने प्रजाति की मछली है। इसकी लंबाई 2.5 फीट तक होती है। थोड़ा इसको स्पेस ज़्यादा मिले और टाइम ज़्यादा मिले तो और भी ये लंबा ग्रो कर सकता है। इसका जो मेन खाना, जैसे मैंने बताया, छोटी मछलियों को खाती है, झींगा को भी ये खाती है और जो भी इंसेक्ट्स होता है, छोटा कीड़ा मकौड़ा होता है पानी के अंदर, उसको ये खाना प्रेफर करती है क्योंकि ये 100% मांसाहारी मछली है। चीतल मछली के पालन के लिए एक्सपर्ट के द्वारा भी यही सजेस्ट किया गया है कि आप इसमें तिलापिया को 2 महीना पहले या कुछ टाइम पहले स्टॉक कर दें, ताकि जब आप चीतल मछली को डालें तो 1 महीने के अंदर तिलापिया मछली ब्रीड करना, मोनोसेक्स तिलापिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल तिलापिया जो कि जल्दी ब्रीडिंग करना शुरू कर दी थी, ताकि उसका जो बच्चा निकले उसका ये फीड बन सके, चीतल मछली का फीड बन सके। इसके सीड के लिए अभी तक हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है और काफ़ी टाइम से ही नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है। मतलब तालाब नदी से ही इसको निकाला जाता है, पकड़ा जाता है। इसका जो हैचरी में इसका प्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है अभी तक। इसका रीज़न जो मेन है कि ये एक तो ये वाइल्ड फिश हो गए और इसका जो बच्चा, और ये जो होता है इसमें पैरेंटल गुण पाया जाता है। मतलब ये अपने जो बच्चा होता है ये खुद से ही अपने बच्चे को फीड कराती है। और जनरली जैसे हम हैचरी में होता है, ये डाफनिया को फीड करा के आप बच्चे को पाल सकते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये इस कारण से सर्वाइवल रेट इसका बहुत ही कम रहता है, या आप मान के चले ना के बराबर ही रहता है। सक्सेसफुल ये बिल्कुल ही नहीं है हैचरी में, अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। हो सके आगे जाके ये सक्सेसफुल हो जाए। चीतल मछली का बच्चा जो स्टॉक करना चाहिए वो लगभग 3 इंच के आसपास का ही करना चाहिए। थोड़ा बड़ा ही बच्चा स्टॉक करना चाहिए क्योंकि 1 इंच या 1.5-2 इंच जो भी छोटा बच्चा होता है उसका जो सर्वाइवल रेट देखा गया वो बहुत ही कम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पैरेंटल गुण पाया जाता है, मतलब ये जब छोटी रहती है तो अपने जो पेरेंट्स होते हैं, मछली पेरेंट्स जो इसके होते हैं उसी के आसपास ये रहना पसंद करती है। और अगर ये छोटे साइज़ में तालाब में पकड़ा गया है तो उसका सर्वाइवल रेट तालाब में नहीं, मतलब नदी में, अगर ये छोटे साइज़ में मछुआरा द्वारा या मछली पकड़ने वाले के द्वारा पकड़ा गया है तो ये इसका जब आप तालाब में डालेंगे तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत ही कम रहेगा। जो बड़ा बच्चा होता है 3 इंच या उससे ऊपर, वो सर्वाइव ईजिली करता है। इसका जो सीड का प्राइस होता है वो भी थोड़ा हाई होता है क्योंकि इसका जो मार्केट रेट रहता है वो भी काफ़ी अच्छा है। 500 से 800 रुपये तक का इसका मार्केट रेट रहता है। मैं रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूँ, होलसेल प्राइस भी इसका अच्छा ही मिलता है। और इसका जो सीड मिलता है वो काफ़ी मुश्किल से मिलता है, मतलब तालाब से, नदी से ही पकड़ना होता है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस कारण से इसका सीड भी जो होता है वो हर साइज़ का आप हर समय ढूंढना चाहेंगे तो वो भी नहीं मिल पाता है और सीड भी बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल हो पाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। किसी भी मछली के सीड को मंगवाने के लिए आप हमें कॉल करके मंगवा सकते हैं। थैंक यू।